सो गाइस, आज हम तो 95% लोग फेसबुक मैसेंजर यूज़ करते होंगे, लेकिन फेसबुक मैसेंजर के अंदर कितने राज छुपे हुए हैं लेकिन ये बात सब लोग नहीं जानते मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर आज मैं एक फेसबुक मैसेंजर से टिप्स जाना है जो कि आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। वो टिप्स क्या है, अगर तुम इंग्लिश एडुकेशन यानी ग्रामर तुम फेसबुक मैसेंजर से सीख सकते हो, ऐसा एक फेसबुक मैसेंजर पर ग्रुप है। सो गाइस, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, एक्सपीरियंस लाइक कर दो कि, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो गाइस, आपको क्या करना है, यहाँ पर तुम देख सकते हो फेसबुक मैसेंजर के ऊपर यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है इंग्लिश बॉट। ठीक है, तो मैं पहले कीबोर्ड को ठीक कर लेता हूँ। इंग्लिश बॉट सर्च करने के बाद मैं तुमको दिखा देता हूँ। यहाँ पर तुम देख सकते हो इंग्लिश बॉट, ये जो है बिजनेस, और एक है यहाँ पे एडुकेशन, यहाँ पे ट्यूटर टीचर, यहाँ पे एडुकेशन, यहाँ पे भी एडुकेशन, यहाँ पे तुमको बहुत सारे यहाँ पे इंग्लिश सीखने को यहाँ पे तुमको ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इंग्लिश जो बॉट है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद तुम गेट स्टार्टर के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पर तुम देखते हो टेक्निकल रिप्लाई इंस्टॉली कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, तुम यहाँ पे देख सकते हो, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। गेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली तुम देख सकते हो ये मेरा ओरिजिनल अकाउंट नहीं है, मैं ओरिजिनल अकाउंट से ट्राई किया हूँ इसीलिए मैं तुमको समझाने के लिए दूसरे अकाउंट करना पड़ा। यहाँ पर तुम देख सकते हो मैं इस अकाउंट को नाम हिरोन रखा है। हाई हिरोन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द इंग्लिश बॉट, आर यू रेडी टू लर्न? तो यहाँ पर मैं यस करता हूँ। यस करने के बाद देखो यस सेंड हो गया। हिरोन सेलेक्ट द टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू आंसर बिलो। यहाँ पे तुम किस कैटेगरी से जानना था तो यहाँ पे वो पूछ रहा है। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मेंस, आर्टिकल, प्रोनाउंस, एडवांस ऑफ फ्रीक्वेंसी, प्रोसेसिव, रियल कंडीशनल्स, यहाँ पे बहुत सारे फ्यूचर है। तो मैं यहाँ पे फ्यूचर के ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर के ऊपर क्लिक के बाद फ्यूचर जो है सेंड हो चुका है। यहाँ पर तुम देख सकते हो फ्यूचर फ्रॉम विल वांट बी गोइंग टू प्लान प्रेडिक्शन। ठीक है, तो मैं विल वांट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सेंड हो चुका है। यहाँ पर तुम देख सकते हो इंग्लिश जो बॉट है वो ऑटोमेटिकली आंसर दे रही है। यहाँ पर क्या लिखा है, यूज़ की तरीका। ठीक है, will and you want are you used to talk about the future, will is positive and want negative। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है स्टार्ट टेस्ट पे। इसको पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट जो टेस्ट है वो सेंड हो चुका है। यहाँ पे इंग्लिश बॉट रिप्लाई देगी, 10 questions गेट रेडी। ठीक है, आपको 10 questions पूछा जाएगा। यहाँ पे तुम देख सकते हो तुम जिस क्वेश्चन को भी तुम सिलेक्ट कर सकते हो, मैं बी को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर आने के बाद दैट्स इनकरेक्टेड, यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगी और उसका जवाब होगी। तुम तो देख सकते हो यहाँ पे, और मैं तीसरी वाला जो सी का जो ऑप्शन है, जैमिस विल पी हेल्प यू मेक द डिनर, तो मैं सी के ऊपर क्लिक करता हूँ। सी सेंड हो चुका, तुम देख सकते हो यहाँ पे, और वो आंसर दे रही है दैट्स इनकरेक्ट, सॉरी आई विल लेट फॉर द मीटिंग, पाउल विल गो गिव ए रिसेप्ट, हैर यू वॉन्ट इंजॉय डू करेक्ट। यहाँ पे मैं बी को सिलेक्ट करता हूँ, देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ओके आई विल कम बैक लेटर, ओके आई एम कम बैक लेटर, ओके आई एम कम बैक लेटर। यहाँ पे तुम इसी तरह की करके तुम यहाँ से इंग्लिश सीख सकते हो। आप टाइप करोगे और वो आंसर देगा। ठीक है, आप करेक्ट बता रहे हो इनकरेक्ट बता रहे हो वो आपको जवाब देगी। सो गाइस, इसी तरह से आप इंग्लिश यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सीख सकते हो एडुकेशन के बारे में, ग्रामर के बारे में। सो गाइस, वीडियो आज से ले तो प्लीज़ एक प्यार सा लाइक कर दोगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और जो फ्रेंड्स मेरा चैनल नया देख रहे हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखोगे, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल वाला आइकन होता है उसको भी तुम दबा दोगे ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहेगी। सो गाइस, आज की वीडियो देखा, जय हिंद, वंदे मातरम।